तो बाजी भी हमारी रेडी हो रही है बस जाने के लिए, अबाया वगैरह पहन लिया उन्होंने। पिकनिक से आने के बाद इतने मेरे हाथ जो हैं अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो अभी जो है हम लोग जा रहे हैं अनम के घर पर, क्योंकि मेरे घर आई हुई हैं बाजी, काफ़ी दिन से स्टे किया हुआ है, अभी तक हम लोग गए नहीं हैं वहाँ पर। तो आज अनम ने मुझे कॉल करके बोला कि खाना जो है आप लोगों ने यहीं पर खाना है। सो इसलिए जो मगरिब का टाइम हो रहा है अभी, मैंने कहा चलें जो है हम यहाँ से काम वाम से फ्री हो गए थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं अनम की तरफ और बच्चे बच्चे भी रेडी हैं और साहिल तो मेरा वहीं पर ही रुका हुआ है। तो जी चलते हैं और फिर आपके साथ सारी अपडेट्स जो हैं आगे आके मैं शेयर करती रहती हूँ। जब तक आप देखें मेरा 2-4 दिन पहले का व्लॉग जब हम गए थे अपने ताया अब्बू के घर पर, सो आप लोग जब तक वो देखें जब तक हम लोग जा रहे हैं। तो बाजी भी हमारी रेडी हो रही है बस जाने के लिए, अबाया वगैरह पहन लिया उन्होंने और हम लोग जा रहे हैं। यार ये शीशा जो है ना मेरे भांजे साहब ने ना तोड़ दिया है मेरे घर का। सो जब बच्चे होते हैं तो ऐसा होता ही है, अब ये शीशा जो है वो हमें चेंज करवाना है। तो चलें बाजी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो जी अभी जो है मैंने शावर वगैरह ले लिया है और अब मैं करूँगी कपड़े प्रेस, क्योंकि हम जा रहे हैं अपने ताया अब्बू के घर, ठीक है? और बस मैंने कहा चलें अपने ब्लॉग का जो है हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं जो है टेरिस में बैठी हुई थी, बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडा मौसम हो रहा था। तो बस ज़्यादातर जो है हम वक्त टेरिस में ही अपना स्पेंड करते हैं। सो अभी हम लोग जो है रेडी होते हैं और फिर चलते हैं, बच्चे शावर वगैरह ले रहे हैं। यहाँ अभी बच्चे जो हैं ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे थे और अभी सारी जो है हुरिया ने सब समेट कर रखा है, पेंटिंग शेंटिंग कर रहे थे यहाँ पर, ये पढ़ाई शढ़ाइयाँ हो रही थी भाई माशाल्लाह से। तो अभी इन बच्चों का रिज़ल्ट भी है, मुझे रिज़ल्ट भी लेने जाना है। अभी मैं निकालने लगी हूँ कपड़े, तो मैंने सोचा हुआ है मैं वाला ड्रेस पहनूंगी जो मैंने बकरा ईद पर पहना था, वो लॉन का बहुत अच्छा सूट है मेरा एथनिक का। सो अभी मैं देखती हूँ मैंने रखा हुआ कहाँ है वो ड्रेस। ये रखा हुआ वो ड्रेस मेरा, सो मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी अभी। अभी जो है मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई हूँ, थोड़ा बहुत नहीं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ, बस ब्लशन रह गया है और ग्लोस लगाना रह गई है। सो अभी बस मैं थोड़ा सा तैयार होकर बैठ गई हूँ, बहुत शदीद गर्मी लग रही थी मुझे तो मैं इस वजह से बैठ गई। हुरिया जो है वो रेडी हो रही हैं अभी। A few moments later. सो जी मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ और इस कलर में मुझे लिपस्टिक जो है रेड ही अच्छी लगती है, तो मैंने वही शेड लगाया है। जो है मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी नंद आई हुई है रुकने और वो हस्बैंड जब आ जाएंगे तो वहीं के साथ रहेंगी यहाँ पर। तो बस वो आते हैं और मैं निकलती हूँ, अम्मी वगैरह तो जो हैं वहाँ पहुँच गई हैं और हम लोग का वेट कर रहे हैं। बस अभी हम लोग जो हैं जल्दी से रेडी होते हैं, बस रेडी तो हो ही गए हैं, बस हस्बैंड आते हैं, बच्चों को रेडी करती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। ये है मेरा फाइनल लुक, ठीक है, स्लीपर नहीं पहनी मैंने अभी और मैं रेडी हो गई। हुरिया जो है वो अभी रेडी हो ही रही हैं अभी। मैं हुरिया हो गई, कपड़े चेंज करेंगे अभी, बस ये टॉप्स पहन रही हैं वो भी मैं ही निकाल कर देती हूँ, वरना इनको होश नहीं होती कि मुझे क्या पहनना है या नहीं पहनना, इनको नहीं पता। पिकनिक से आने के बाद इतने मेरे हाथ जो हैं वो काले हो गए हैं और बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहे अभी तक, तो फ़िलहाल नहीं हुए फेस भी और हाथ भी। तो मैंने जो है ये वाला नेल पेंट लगाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला शेड, पील ऑफ है और थोड़ा सा फैल भी गया है यहाँ से, ये मैं इसको हटा दूँगी करके, अच्छा लग रहा है ना। बस अभी देखें हाथों पे बेसन वेसन लगाते हैं हम, चावल का आटा वगैरह लगाते हैं, ये टोट के करते हैं, अल्लाह करे हाथ साफ हो जाए। मैनी पैडी तो मैं करवाती ही नहीं हूँ। और हुरिया भी माशाल्लाह से रेडी हो गई, हुरिया दिखाओ अपना फुल लुक, नाइस गर्ल, देसी गर्ल ले रही हैं अब, देसी गर्ल। तो हुरिया वॉशिंग की जगह गेट बंद कर दो। दोनों बहन भाइयों ने जो है वो खाना खा लिया है, क्या वो
दोनों बहन भाइयों ने खाना खा लिया, निहारी लेकर आए थे और सादे चावल घर पर थे, बस इन लोगों ने खा लिया है। और अब हम लोग जो है जा रहे हैं, इन ड्राइव आ गई है, हम लोग निकल रहे हैं, बस हमारी इन ड्राइव आ गई है और बारिश हो रही है, बहुत ही कोई अच्छी हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है और अभी हम लोग जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है पहुंच गए थे, सब बैठे हुए थे, बातें शातें हो रही थी और फिर खाना वाना लगा लिया था भाभी ने, बहुत ही कोई मज़े की बिरयानी बनी हुई थी और कुन्ना पाया बना हुआ था। सो बिरयानी तो हम सबकी फेवरेट है, भाभी जो है बहुत ही कोई ज़बरदस्त बिरयानी बनाती हैं। फिर हम लोगों ने माशाल्लाह से खूब खाया खाना। यहाँ मेरा जो है आज का दिन स्टार्ट है फिर से, तो हम अनम के घर पर गए तो अनम ने जो है वो बहुत मज़े के जो है हमें चाट खिलाए, बर्गर खिलाए और बिस्किट वगैरह, चाय वगैरह, रिफ़्रेशमेंट चल रही थी। फिर हम सब लोग जो है बैठे हुए थे, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना हमारी तरफ अपनी पूरे कराची में ही हो रही है ऑलमोस्ट, तो माशाल्लाह से बहुत तेज़ हो रही है। बच्चे जो है नीचे नहाने गए हुए हैं, मेरे मोबाइल में पानी जाएगा जी, ये सब बच्चे नीचे नहाने गए हैं, खोल रही हूँ बहुत। बेटा आ रहे, इस खम्भे के पास नहीं जाना, पीछे पीछे रहना, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और जो है मैं आप लोग को दिखाती हूँ करीब से, ये देखें बारिश कितनी तेज़ हो रही है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। अब मैं फिर से पीछे आ जाऊँ और बच्चों को समझाऊँ कि भाई यार साइकिल क्यों निकाली है। और खाने में बताती हूँ मैं आप लोगों को क्या बनाया है अनम ने, ये अदरक मैंने अभी बारीक बारीक काट के रखी है क्योंकि हमने बनाई है चिकन निहारी, अनम ने बनाई है हम लोगों के लिए, और आलू का भुर्ता बनाया है। सो अभी जो है हम लोगों ने खाना नहीं खाया क्योंकि अभी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा सा जो है वो रिफ़्रेशमेंट कर लिया था, बर्गर वगैरह, केकर्स और चाट वाट, ये सब चीज़ें मैं खुद लेकर आई थी, तो हमारा रिफ्रेशमेंट अच्छा खासा हुआ था। अभी हम लोग को बिल्कुल भूख नहीं लग रही, बच्चे जो हैं वो नहा रहे हैं, फुल इन्जॉय कर रहे हैं। अभी मुझसे ज़िद कर रहे थे कि घर चलें, हम लोग पार्क में नहाएंगे, मैंने कहा यहीं पर नहा कर आ जाओ। सो बस जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, कुछ दो चार दिन पहले का और कुछ आज का। मैंने कहा चले छोटे छोटे क्लिप्स ले लेती हूँ, दो तीन दिन मैं बहुत बिज़ी रही हूँ, घर वाले आए हुए हैं घर पर रहने, तो बस उसमें बिज़ी हूँ। तो जी बस यहीं चाहूँगी, इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, और जिसने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।